हाँ तो दोस्तों, काफ़ी टाइम से मुझे लोग कमेंट कर रहे थे कि आप गौरव की कम्युनिकेशन की वीडियो डालिए डालिए। देखिए, ये कोई नई कम्युनिकेशन नहीं है, ये 2017 जुलाई की कम्युनिकेशन है जिसकी वीडियो मैंने किसी कारण नहीं डाली थी। इसे मैं आज पब्लिश करने जा रहा हूँ क्योंकि इसमें मैंने टेक्निकल एक्सप्लेन किया है फेनोमेना को, तो इसको आपको गौर से लास्ट तक देखना होगा। ऐसे वीडियोज़ मेरे पास कम से कम 25 कम्युनिकेशन के 12 GB का डेटा है जिसे मैंने आज तक कभी पब्लिश नहीं किया है। या मुझे मेरे सामने कोई फिगर दिख सकता है? अगर आप चाहते हैं कि मैं इन वीडियोस को पब्लिश करूं, तो तीसरी बत्ती जलाइए। सर, एक्चुअली इसे ही कहते हैं इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन। मुझे कोई और अब दिख सकता है सर? बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन हो जाएगी। सर कुछ दिखा नीचे से ऊपर जाते हुए, बट वॉज दैट रियली एन ऑर्ब? कुछ तो ऐसा स्ट्रॉन्ग कुछ ऐसा कीजिए सर कि हाँ, जिससे लोगों को कन्फर्मेशन हो जाए कि हाँ, आप इस प्लेन पे हैं और अब भी आप हैं। लास्ट टाइम मैंने देखा था ईएमएफ मीटर को गिरते हुए। ये ऑर्ब था या इंसेक्ट था या मॉस्किटो था, ये तो समझ नहीं पाऊंगा मैं, देख के ही पता चलेगा। क्या इसे यहाँ पे बंद किया जाए सेशन को? नो। कोई ऑर्ब और ये ईएमएफ मीटर पे कोई ब्लिंक आ सकता है एक साथ? ऑर्ब के साथ कोई ब्लिंक K2 पे? देखिए सर, ब्लिंक तो मैंने देख लिया, ऑर्ब मुझे देखना चाहिए। लगा था सर, राइट साइड में स्क्रीन में लगा था कि कुछ है ऐसा। खास के वो लोग जो मोबाइल पे वीडियोस देखते हैं, इस पार्ट को ध्यान से देखिएगा। तो भाई, लास्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि K2 के ब्लिंक के साथ मुझे कोई ऑर्ब दिख सकता है, मुझे दिखा था। देखो, मुझे जब मैं कैमरे पे होता हूँ, ये सब करते करते इतना एक्सपीरियंस हो गया, एक स्लाइट सा भी कुछ डिफरेंस आता है स्क्रीन में तो मैं नोटिस करता हूँ। और जो लोग नहीं करते हैं वो कहते हैं ये फेक है, मुझे कुछ नहीं दिखा, बकवास है, मेरा डेटा बर्बाद हो गया। भाई, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। ये वीडियो, ये कम्युनिकेशन की जो वीडियो है, इसे मैंने शूट किया था 2017 जुलाई में। मैंने कभी इस वीडियो को पब्लिश नहीं किया, आज जा रहा हूँ पब्लिश करने के लिए क्योंकि टाइम है, लॉकडाउन का पीरियड है, टाइम है। मैंने जिस तरीके से इसको अगर रॉ फॉर्म में ही डाल देता जैसे कैप्चर किया था, तो फिर से मुझे पता है उसी तरह की बातें होती, मुझे तो नहीं दिखा, आप बेवकूफ़ बना रहे हो, बकवास है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, अब ध्यान से देखिएगा इसे। मैंने जो पूछा था क्वेश्चन कि K2 के साथ, ये रहा K2, ठीक है, ये आप ये देखा ये, ठीक है, और क्लियर देखो आप इसको, और क्लियरली भी देख सकते हो। देखो, ये बीच में एक डॉट सा दिख रहा है ना, तो उसको बहुत सारे लोग कहते हैं तो डस्ट पार्टिकल है। हाँ, ये आर पार,
अब उनका ये अजम्पशन होता है कि पीछे जब स्टिल फोटोग्राफ में तो पीछे कुछ होगा, वो चमक रहा है। अब ये अपनी जगह से ऑर्ब हटता है। वो भी हट गया, ठीक है। उसके बाद ये कैमरे के स्कोप से बाहर चला जाता है। फिर से देखो ये अपीयर कैसे हुआ, ये देखो। ऐसा नहीं है कि ये कुछ बहुत दूर से जैसे मच्छर आ रहा हो या इंसेक्ट है या डस्ट पार्टिकल है, ये अपीयर हुआ है, ठीक है। ये अपीयर हुआ है, ये देखो, ये अचानक से इस फ्रेम में अपीयर हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि दूर था आपको नहीं दिख रहा है, ये अचानक से अपीयर हुआ है कमांड पे। और इससे पहले ये देख लो K2, मैंने उस टाइम पूछा था, क्योंकि ये वीडियो बहुत स्लो है, ये वीडियो 125x स्लो मैंने किया है समझाने के लिए। ये दिख रहा होगा, मैंने पूछा था क्या K2 पे ब्लिंक के साथ ऑर्ब दिख सकता है। ये देखो, अब देखो, ये अचानक से आया, गायब हो गया, ये अचानक से अपीयर हो रहा है। तो मुझे लगता है इतना दिखाने के बाद समझ हो जाना चाहिए। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो ये जो मैंने किया है कि K2 पे कोई स्पाइक और ये एक साथ, तो मुझे करके दिखा दे वो। ये उस वीडियो का स्नैपशॉट है, मैंने इसका कंट्रास्ट बढ़ाया है। अब एक्सप्लेन करता हूँ इस लाल घेरे के बारे में नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान से देखना। हाँ, अभी मैंने दिखाया था वो स्लो करके, कुछ सॉफ्टवेयर को यूज़ करके स्लो करके दिखाया था कि वो और अपीयर कैसे हुआ और डिसअपीयर कैसे हुआ। मैंने कहा था कि क्या कोई और, फिर से बोलता हूँ, मैंने कहा था K2 के स्पाइक के साथ कोई और दिख सकता है। और जिस फ्रेम पे मैंने काफ़ी मेहनत करके, चूँकि इतना फास्ट था कि नॉर्मल वीडियो में इसे देख पाना इम्पॉसिबल था, जिस फ्रेम में मैंने इसे रोका था, देखो इसे इनसर्कल किया है, ये लाल घेरा बनाया है मैंने ये। अब ये आपके ऊपर है कि आपको क्या दिख रहा है, कि आपको कोई चेहरा दिख रहा है। ये गौर से देखिएगा, बार बार देखिएगा, आपको शायद लगेगा मैं कोई चेहरा देख रहा हूँ, आपको कुछ फेस सा दिखेगा इसमें, ठीक है। ये गौरव की फ़ोटो है ऑस्ट्रेलिया की। अब इन दोनों को आप कंपेयर करके देख लीजिए। मैं अगर अपने हिसाब से देखूँ तो हो सकता है मेरे दिमाग का मैट्रिक्सिंग हो ये, बट आप पर छोड़ रहा हूँ ये बात। मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ कि हाँ इसमें कोई फेस ही दिख रहा है मुझे, अब मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। आपको ये नोज़ एरिया दिख रहा है, और देखिए यहाँ पे गौर से देखिए तो दो जैसे नाक में दिखते हैं, ये यहाँ पे ये दिखता है नोज़ के पास, ऐसा कुछ आपको लगेगा कि यहाँ है। अगर यहाँ देखिए तो देखिए लिप्स सा दिख रहा है ये। ये दो जो डार्कर पार्ट है थोड़ा, ये जो दो डार्कर पार्ट है, ये यार अभी क्यों होता है सब, ये जो दो डार्कर पार्ट है ये आँख की तरह लग रहा है, ठीक है। पैरानॉर्मल रिसर्चर्स इसे अपने लैंग्वेज में बोलते हैं डिसएम्बॉडीड फेस। ऑर्ब के फॉर्म में कई बार ऐसा हुआ है कि फेस मिलता जुलता फेस दिख जाता है, अगर कोई इंसान उस एंटिटी से कम्युनिकेशन कर रहा है या ये समझ करके कर रहा है। अभी फिर से बोलूँगा, फिर से देखिए, देखिए जब मैं इसे जूम आउट करता हूँ तो मुझे ज़्यादा लगता है जूम इन, चूँकि आप छोटे स्क्रीन में भी देखेंगे तो आपके लिए कर रहा हूँ। अब देखिएगा और देखकर कमेंट डालिएगा क्या आपको लगता है। फिर से बोल रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा, मैं प्रूव नहीं करना चाहता हूँ कि हाँ ये फेस है और ये गौरव तिवारी ही है। हम अपने ऑब्जर्वेशन पे काम करते हैं और मेरे ऑब्जर्वेशन में जो आया मैं आपको दिखाना ज़रूरी समझता हूँ। नॉर्मल सी वीडियो बना दूंगा, वो तुरंत तुरंत इतनी फास्ट में और भी जाएगा, सब कुछ होगा, फिर बोलेंगे अरे बंदा फेक है, ये तो वीडियो ही फेक है यार, कुछ दिखाई नहीं। और भाई बार बार बोल दे रहा हूँ, भूत प्रेत कभी भी ऐसा नहीं दिखेगा,
जैसा आपको नेटफ्लिक्स पे दिखता है या हॉलीवुड की मूवीज़ में या बॉलीवुड की मूवीज़ में दिखता है, वैसा भूत कभी नहीं दिखेगा आपको। पैरानॉर्मल एक्यूरेंस ऐसा नहीं होता है। बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा तो कोई ऑब्जेक्ट मूव हो सकता है, उससे ज़्यादा तो मैंने कभी नहीं देखा है। और इनका iHeartIntelligence.com, मैंने इस पे ये आर्टिकल देखा, ये इंटरेस्टिंग रिसर्च सजेस्ट दैट डेड कैन कम्युनिकेट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब आत्मा, स्पिरिट, भूत, प्रेत इलेक्ट्रॉनिक के ज़रिए कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और ये काम हम लोग सालों से कर रहे हैं। मैं 8 साल से कर रहा हूँ, गौरव 2008 से कर रहे थे। तो ऐसे आर्टिकल्स इंटरनेट पे आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन मुझे लगा यार पता नहीं ये वेबसाइट कहाँ का है, किसी ने अपने घर से तो नहीं पब्लिश कर दिया इसे। एलेक्सिया में मैंने रैंकिंग इसकी चेक की है, एलेक्सिया में इसकी रैंकिंग है 3400 समथिंग। मतलब ग्लोबल रैंकिंग अगर 3400 समथिंग है तो ये बहुत बढ़िया स्कोर है। ठीक है, ये इसी टॉपिक से रिलेटेड है, हेल्थ, कॉन्शियसनेस, साइंस, टेक, काफ़ी कुछ ये कवर करता है। इसके इंटरेस्टिंग होते हैं आर्टिकल्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात की थी डिस एम्बॉडीड फेस के बारे में, उस पर भी कुछ लोग बोलेंगे भाई ये तो अपने आप निकाल देता है टर्म। थोड़ा इसके बारे विकिपीडिया में रिसर्च कर लीजिएगा, बट विकिपीडिया में भी ज़्यादा कुछ आपको मिलेगा नहीं डिस एम्बॉडीड फेस या डिस एम्बॉडीड शेडोज़ के ऊपर। जैसे एक ये चेहरा है, ये डिस एम्बॉडीड फेस है। ठीक है, मतलब एक तरीके से ऐसा चेहरा या ऐसा शेडो जो कि सिमेट्रिक नहीं है, डिफॉर्म है। तो ये मैंने आपको इतना समझा दिया, वीडियो देखकर बताइएगा इसमें क्या लगा। और इस तरह की वीडियोस फ्यूचर में भी आती रहेगी। अभी ऑर्ब को लेकर के बहुत ज़्यादा लोगों में कन्फ्यूजन है, इसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सीज है। कभी कभी जेन्युइन ऑर्ब भी होता है बेचारे, उन पे भी धब्बा लग जाता है कि ये तो डस्ट पार्टिकल है जी। और जो कभी कभी होता है कि डस्ट पार्टिकल होता है उसको लोग भूत समझ लेते हैं, जैसा कारकाडूमा कोर्ट में हुआ था। मैं ही खड़ा था उस कंप्यूटर के सामने जब कंप्यूटर ऑन हुआ था रात को 12 बजे, और शायद वो तो फुटेज आपको मिल जाएगी, इंडिया के 74 न्यूज़ चैनल से दिखाया था, फुटेज तो मेरी ही चल रही थी, मैं ही था उस कमरे में, तो मुझे ज़्यादा पता है। बाय द वे ये बंदर के हाथ में चाकू वाला मेरा सबसे फेवरेट वॉलपेपर है। तो वीडियो देखिए आप लोग, वीडियो देखकर बताइएगा कैसा लगा, फिर आगे बात करेंगे।